गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज मेरा नाम है सागर ठाकुर और आज मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही हिडन प्लेस पे जा रहा हूँ ब्लॉगिंग करने और मेरा कैप भी उड़ गया जैसा कि देख सकते हैं। बहुत ही प्रॉब्लम इरिटेटिंग हो रहा है तो देखते हैं अभी। अभी जो देखा तो कनेक्ट हुआ है इंजन ट्रेन से। यहाँ से ट्रेन को वो चार इंजन पीछे से धक्का देगी क्योंकि करजत से लोनावाला तक के ना ट्रेन थोड़ा पहाड़ साइड है ना, तो इसलिए पहाड़ चढ़ने के लिए धक्का देगी। अभी मैं एक्सप्रेस ट्रेन में हुए जा रहा हूँ लोनावाला। लोनावाला के थोड़ा माउंटेन का व्यू दिखाऊंगा और वहीं पर उतर के थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करूँगा। ये है करजत, अभी जा रहे हैं लोनावाला सकते और बारिश हो रहा है थोड़ा बहुत। अभी यहाँ पे टनल भी आएंगे बहुत सारे, अभी बहुत ही मस्त है और बारिश में ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। देख सकते हैं यहाँ का वो हेवन है, हेवन हेवन से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी एक गुफा आने वाला है टनल और व्यू देख सकते हैं आप। गाइस टनल आ गया देख सकते हैं गाइस। बहुत ही मस्त लंबे लंबे पहाड़ बहुत बजे। ये एक और टनल, टनल पे टनल आने जा रहे हैं बहुत सारे। गाइस मेरे ख्याल से ये लास्ट टनल था, छोटा वाटरफॉल दिखा वो साइड का। तो हाँ माउंटेन देख सकते हैं, बहुत ही सीधा सीधा माउंटेन है। ये माउंटेन पे कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता, एकदम सिंपल है, सिंपल सीधा है। एक और टनल आ गया, बाप रे बाप कितना टनल है। देख सकते हैं माउंटेन में होल भी है, शायद से बर्ड उप के लिए बनाया रहे। टनल हो गया रहेगा ना, 8-9 से ज़्यादा टनल हो गया है। अभी ट्रेन रुक गई भाई जल्दी। अभी खंडाला घाट पे जाएंगे, लोनावाला आने वाला है और देख सकते हो बारिश भी हो रहा है बहुत।
सो गाइस व्यू देख सकते हैं, अभी सब क्लाउड हट गया है और ट्रेन निकली हुई है, बहुत ही मस्त व्यू है। सो गाइस देख सकते हैं ट्रेन और सामने का व्यू, ट्रेन अब बहुत देर से मतलब 10 मिनट हो गया, रेड सिग्नल लगा है उस पर रुकी है और मुझे केपी ब्रिज पे जाने था, मुश्किल तो लग रहा है, देखते क्या होता है। गाइस जो केपी ब्रिज मुझे जाने था तो वो दूसरे लाइन में और ये लाइन दूसरा रेलवे का, तो अभी ठाकुरवाड़ी रेलवे स्टेशन उतर के मैं बाय वॉक वहाँ पे जाऊँगा। देख सकते हैं बहुत से लोग उतर गए हैं, यहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, लंबा सिग्नल लगा लग रहा है। गाइस केपी ब्रिज जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, सोचा नहीं था इतना मुश्किल हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ का व्यू, माउंटेन, वो क्या व्यू है गाइस, देख सकते हैं बहुत ही मस्त। यहाँ पे दो लाइन है रेलवे का, एक दूसरी साइड है और ये साइड है, तो मुझे दूसरी साइड जाना पड़ेगा। कोई नहीं, यहाँ का भी मज़ा ले रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। और मैं जब से मेरे पैर में लगा मैं सैंडल चप्पल में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सी जो हड्डी है पैर का टॉय का वो बाहर आ गया है। देख सकते हैं सब लड़के लोग एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं, क्या होता है बहुत ही मस्त। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बहुत बारिश हो रहा था तो क्लाउडी क्लाउड था, तो अभी सब क्लाउड हट गया है, बारिश भी रुका हुआ है। इसके पहले जो वाटरफॉल में आया था जैमिन वाटरफॉल, शायद से वो उधर ही है ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है, और ये खोपोली एरिया, देखते अब ट्रेन कब चलेगी, वेट कर रहे हैं बहुत देर से। देख सकते हैं सब सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। भाग रहे, भागो भागो जल्दी, चलो चलो चढ़ जल्दी चलो, अरे यहाँ से चढ़ हमें। दूसरा ट्रेन आ रहा है शायद से, या तो ये ट्रेन को ऑन बजा मेरे को लग रहा है दूसरा ट्रेन आ रहा है, सब भाग भाग के चल रहे हैं। ट्रेन स्टार्ट हो गई है और ट्रेन चल रही है, और जब तक आप ये व्यू, इधर का व्यू का मज़ा लीजिए। एक और केव, बारिश हो रहा बहुत अच्छा, तुम लोग को हैदराबाद जाते रहते डेली करते हैं गाइस, वहाँ पे बहुत ही बारिश हो रहा है। तो गाइस बहुत देर से ट्रेन रुकी हुई है, रेड सिग्नल फिर से लग गया और यहाँ पे कुछ लड़के लोग केकड़ा पकड़ रहे हैं, ट्रेन रुकी हुई है और केकड़ा पकड़ रहे हैं। मुझको इंडिया के सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा ट्रेन से कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक ना फेंके, डस्टबिन में फेंके गाइस,
क्योंकि ये बहुत इतना ब्यूटीफुल नेचर है अपना इंडिया का, मुंबई महाराष्ट्र का, तो इसको ऐसा गंदा ना करे। जो प्लास्टिक का बॉटल बहुत सारे देख सकते हो, लेस के चिप्स, फिर हमें खाने का पूरा वो बॉक्स, तो इसको डस्टबिन में ही फेंके, ऐसा ट्रेन के बाहर ना फेंके। जो ट्रेन वापस रुका था उसका ग्रीन सिग्नल हो गया है और ये ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, बारिश भी रुक गई है। ये व्यू देखो हवे से पहाड़ का, और ये टनल के अंदर घुसने से पहले ही ट्रेन रुक गई है। गाइस यहाँ पे जो ट्रेन का इंजन है उसको खोला जा रहा है। मैं लोनावला पहुँच गया हूँ और यहाँ पे फॉग ही फॉग, बारिश ही बारिश, और ये जो दो इंजन है ये भी हट जाएगा, देख सकते हैं यहाँ का मौसम क्या बताऊँ। मैं हूँ लोनावला में, 6:20 हो गए हैं यहाँ पे शाम के, अब मुझे खुद भूख लगा, अभी यहाँ पे किसी होटल में खाना खाऊँगा, थोड़ा देर वेट करके ट्रेन से वापस मुंबई। तो गाइस तूफ़ानी बारिश हो रही है यहाँ पे लोनावला रेलवे स्टेशन पे, देख सकते हैं। मैंने मिसल पाव नाश्ता वाश्ता कर लिया, अब मैं वापस ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ मुंबई, देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है। देखो इंडिया का फ्लैग ऐसा रोड पे फेंका हुआ है, तो ऐसा फ्लैग आप लोग बांट रहे हो लोगों का, लेकिन कोई इज्जत नहीं करता फ्लैग का। अभी ये फ्लैग को मैंने रोड पे पड़ा मिला था, अब इसको फोल्ड करके मैं अपने पास बैग में रख रहा हूँ। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, अब ये व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय।